हाय, मैं हूँ सौरभ। आप देख रहे हैं साहस बाकेट, और मैं आज पोर्ट्रॉनिक्स का डायनामो जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखते रहिए साहस बाकेट। अगर अब इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले ये मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास पहुँच सके। तो अभी जो पोर्ट्रॉनिक्स का डायनामो स्पीकर है उसका जो ऊपर में लिखा गया है, कुछ बता देते हैं आपको। इनोवेटिव डिजिटल एंड पोर्टेबल लिखा गया है यहाँ पर, और सिंपली लाउड एंड क्लियर, इसका साउंड जो है सिंपली लाउड एंड क्लियर लिखा गया है। और ये एक चीज जो और कोई ब्लूटूथ स्पीकर में इस रेंज में नहीं आती है वो है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर विथ एफएम। इसमें एफएम भी है दोस्तों। तो इसमें TWS फंक्शन, 5 वाट स्पीकर दिया गया है इसमें, और 10 to 12 आवर्स लॉन्ग प्ले टाइम दी गई है। तो इसके पीछे कुछ लिखा गया है, पीछे और कुछ चीज मेंशन की गई है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये जो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्सन है वो 5.0 है, लॉन्ग लास्टिंग प्ले टाइम है, TWS फंक्शन है, इनबिल्ट माइक है, आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो और कॉल कार्ड भी कर सकते हो, एंड USB पेन ड्राइव से आप म्यूजिक चला सकते हो, एंड क्लियर बेस साउंड है, इनबिल्ट रेडियो एफएम है। ये इसका हाइलाइटेड जो फीचर्स है वो है, और हाई क्वालिटी बैटरी, 2000 mAh रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, जो बहुत अच्छा है इस स्पीकर के लिए। स्पीकर दिखने में कैसा है और इसकी अंदर क्या क्या दी गई है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो देखते रहिए साहस बाकेट। इसका जो MRP है, MRP लिखा गया है 1999, और मुझे सिर्फ ये पड़ा है 999। तो आप लोग समझ सकते हो ये बहुत ही कम रेंज का एक स्पीकर है, और इसका जो क्वालिटी है वो अब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो इसको कर लेते हैं ओपन। तो अब इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रख के देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो पैकिंग है वो बहुत अच्छा पैकिंग की गई है। ये स्पीकर है, मेन यूनिट है, ये आप लोग देख सकते हो कैसा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या है और इसमें। ये यूजर मैनुअल है डायनामो का, ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल में दी गई है, और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी मेंशन किए गए हैं। वो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, और कैसे यूज करना है वो भी पढ़ सकते हो। ये साइड में रखते हैं, और इसके साथ एक स्ट्रैप दी गई है। इस स्ट्रैप की भी कॉलर है उस पोर्टेबल स्पीकर की तरह। तो ये जो स्ट्रैप है वो इससे लगाने वाले हैं, और यहाँ पर एक USB केबल दी गई है। USB केबल माइक्रो USB है, ये USB माइक्रो USB है, इसको भी साइड में रखते हैं। और अब ये सब चीज को रखते हैं साइड में, देखते हैं स्पीकर में क्या क्या है, स्पीकर कैसा दिखता है। ये ऊपर कुछ बटन दी गई है, ये LED इंडिकेटर है, इससे आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है स्पीकर में।
और यहाँ पर जो स्ट्रैप है वो लगाने वाले हैं हम। और यहाँ क्या क्या दी गई है, यहाँ ऊपर तो लिखा गया है यूएसबी प्ले एंड चार्ज, यहाँ पर चार्ज, तो इसको खोल के देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप लोग पेन ड्राइव या कार्ड रीडर लगाकर म्यूजिक चला सकते हो आपकी मनपसंद। और ये जो है ये चार्जिंग है, और यहाँ पर और एक एलईडी दी गई है, नोटिफिकेशन दी गई है चार्जिंग के टाइम चलने के लिए, तो ये बहुत अच्छी है। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। ये देखिए यहाँ पर पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, ये बहुत सुंदर है। ये जो बोल रहा है ये मैंने अभी तक किसी भी स्पीकर में देखा नहीं है, ये प्रोट्रॉनिक्स में ये दिया गया है। और इसको और एक एफएम रेडियो मोड, ब्लूटूथ मोड। दोस्तों मेरा जो वीडियो है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको पायरेसी का मोहर लग जाएगा, तो मैं वो मैं नहीं कर सकता, ये गाना नहीं चला सकता। आप लोगों को साउंड मैं बाद में सुना दूंगा, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे वो दिखा देते हैं। ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है, एंड गाना चेंज करने के लिए या चैनल चेंज करने के लिए भी यूज होता है। ये सिंगल प्रेस करो तो गाना चेंज होता है, बैक होता है गाना, और ये सिंगल प्रेस करो तो गाना फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड मीन्स नेक्स्ट गाने पर चला जाता है। और ये प्ले एंड पॉज है, एंड कॉल रिसीव करने के लिए भी ये स्विच यूज करना है। तो ये जो प्लस बटन है ये दबाने से साउंड ज्यादा होता है। ये देखिए ये जो साउंड दे रहा है, ये पूरा वॉल्यूम जो है वो पूरा देने के बाद ही ये साउंड आता है। और ये प्रेस करने से साउंड नीचे चला जाता है, कम होता है। तो आप लोग थोड़ा सा जान गए होंगे इसके बाद इसकी साउंड की बारी है, तो देखते हैं कैसा साउंड आता है। बात बता देते हैं, ये जो प्ले एंड पॉज है इससे आप लोग एफएम को ट्यूनिंग भी कर सकते हो। ये पकड़ के रखने से एफएम ट्यूनिंग मोड पे चला जाता है। तो ट्यून करने के लिए, ये फर्स्ट टाइम ट्यून करने के लिए आप लोगों को ये पकड़ के रखना पड़ेगा। जब साउंड दे देगी वो चैनल वाइज चेंज होते रहेगी, तो आप लोगों को इसको छोड़ना है, तो वो खुद ब खुद चैनल ट्यून कर लेगी, और चैनल ट्यून होने के बाद वो आपको सिग्नल दे देगी कि चैनल ट्यूनिंग हो गया है। तो इसका जो और एक फंक्शन था वो भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब दिखाना है इसका साउंड कैसा है, तो चलिए देखते हैं साउंड कैसा है इसका। ब्लूटूथ ऑन करते हैं, डिवाइस पेयर्ड। ये देखिए डायनामो, पहले मैं कनेक्ट किया हुआ था इसलिए कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए बैटरी जो 100% है वो भी दिखा रहा है, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है जो इसका बैटरी भी हम लोग देख सकते हैं। मैं ऐसी कुछ स्पीकरों को भी जानता हूँ जो ये बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा जाता है। तो देखिए यह कैसे साउंड करता है।
आप लोगों को पता चल गया है इसका साउंड के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये आपको कैसा लगा, और कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका सही सही आंसर देने का। तो देखते रहिए साहस बाकेट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।